नमस्कार दोस्तों दोस्तों रिगुंडी टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत। और आज का टॉपिक है क्रिकेट के कुछ ऐसे रूल जो आप नहीं जानते होंगे। अब क्रिकेट में चौका छक्का तो था ही था, अब पंजा सत्तर महिला भी संभव हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो ये बेल आती है, इस बेल को अगर आप बजा देंगे दबा देंगे तो रोज की वीडियो आपके मोबाइल पर ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पहले आपको ले चलते हैं एक ऐसे रूल की तरफ जिसमें बैट्समैन एक भी बॉल खेले बिना आउट हो सकता है। ये कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं। दरअसल जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो उसके बाद एक दूसरा बैट्समैन क्रीज पर आ जाता है, लेकिन अगर नया बैट्समैन जिसने क्रीज पर आना है वो अगर 3 मिनट के अंदर नहीं आता तो उसको अंपायर के द्वारा आउट घोषित कर दिया जाता है। कीपर जो हेलमेट डालता है कई बार वो उस हेलमेट को थोड़ा पीछे रख देता है, अपने से कुछ पीछे रख देता है। बॉल बैट्समैन के बैट को टच होने के बाद अगर उस हेलमेट को लग गई तो 5 रन मिल जाते हैं टीम को। और इस दौरान भाग के जो रन लिए जाएंगे, मान लीजिए 4 रन लिए, 2 रन लिए या 1 रन लिया या 3, वो भी साथ में ऐड हो जाएगा। बैट्समैन के आउट करने का बड़ा अजीब सा रूल बना दिया है। उसमें क्या है कि बॉलर बॉल करता है, एक ही बॉल पर बैट्समैन उस बॉल को रोक के थोड़ा उछाल के दोबारा उसको अगर शॉट मार दे तो, लेकिन वो आउट करार कर दिया जाएगा। तो एक रूल है इसमें बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर वो आउट हो जाता है और विरोधी टीम उसको खेलने के लिए दोबारा आमंत्रित करें तो उसको नॉट आउट करार दिया जा सकता है। मतलब एक बार कोई बैट्समैन अगर आउट हो गया तो उसको नॉट आउट भी करार दिया जा सकता है, लेकिन तब अगर विरोधी टीम चाहे तो। ये रूल क्यों बनाया गया? दरअसल होता कई बार है कि बॉल बाउंड्री पर चली गई और फील्डर ने उसे रोकने की कोशिश की, फील्डर ने उसे रोक लिया, लेकिन बैट्समैन को लगता है कि ये चौका हो गया और भागना छोड़ देता है और वो क्रीज में ही घूमने लगता है। उस दौरान उसको रन आउट कर दिया जाता है, या ये भी संभव है कई बार वो भागते भागते रन लेते हुए गिर जाए। उसको रन आउट कर दिया जाए, लेकिन विरोधी टीम अगर चाहे आउट होने के बाद भी उसको नॉट आउट करार दिया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है कि अंपायर अगर इस बात को मान ले। ये थे क्रिकेट के कुछ नए नए रूल। लाइक कमेंट और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उन पे शेयर करना मत भूलिएगा ताकि औरों का भी फायदा हो और हमें भी आपकी सपोर्ट मिल सके। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रही हैं, डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक हैं, इनको आप क्लिक करके देखेंगे तो ये वीडियो भी आपके काम की हो सकती है। कल फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।